वेलकम वेलकम बैक इन अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आज़ाद कश्मीर टूर। दोस्तों मॉर्निंग हो चुकी है और आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। माशाल्लाह ये देखें, ये देखें क्या बात है जी। माशाल्लाह ये बाहर के नज़ारे हैं। ये दरियाए नीलम बिल्कुल हमारे सामने है जो कि रवा दवा है, और ऊपर पहाड़ों पे देखें जी, बादल देखें बिल्कुल सामने, क्या बात है, क्या नज़ारा है, माशाल्लाह कमाल हो गया। अब हम हो गए रेडी, पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरा ख्याल हमें जीप करवानी पड़ेगी जाने के लिए। जीप पे जो है ना, हम फिर केएल जाएंगे, केएल से आगे फिर अरंग केएल जाना है वहाँ। ले जी दोस्तों, हम हो चुके हैं रेडी, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम जाएंगे केएल। गाइस हम लोग नाश्ता करने लगे हैं, नाश्ता रेडी है, देखें आप लोग सब लोग, हमारी टीम आ चुकी है। हम लोग दोस्तों केएल के लिए निकल चुके हैं, ये देखें जाने उन्हें रुके। बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ख़राब है। हाँ जी हालात ख़राब है, बारिश बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये आपको दिखाते हैं, ये देखें बारिश हो रही है। हम लोग फिलहाल फंसे हुए हैं छत के नीचे, शोर में फंसे हैं, ठीक है। तो अभी कोई इंतज़ाम करते हैं, किसी अम्ब्रेला का या रेनकोट लेना पड़ेगा हम लोगों को, तो फिर उसके बाद फर्दर आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह ताला। गाइस ये हमारे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, कोई सिंगर आया कोई। गाइस हम लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल चुके हैं, मेरे साथ आदिल साहब हैं। आदिल साहब आज आप बिल्कुल जादू लग रहे हैं आज, जल्दी भाई बनना पड़ता है। ये बड़ी बड़ी स्लिपरी जगह, ध्यान से जरा, मेरे बाबा बन गए मौसम। ये देखें किस तरफ जाना, हमने किस तरफ जाना, नीचे या ऊपर भाई, नीचे जाना है या ऊपर, सीढ़ियों से ऊपर जाना है। आज जी दोस्तों हम लोग जो है ना वो लाइन में लग चुके हैं, इस केबल कार पर बैठ कर हम लोग जाएंगे। ये अभी वापस आ रही है केबल कार,
ये श्रीलंका से हमारे गेस्ट आए हैं। ये यहाँ मको यहाँ सारे चलो ना गए फिर क्यों सफर को नहीं आया इतना दरिया छाल बनी बस छत फ्री है मैं बह जाना आर्डर लाओ अब उठी ओए बस आ आ चलो की करना है ओ कहंदा अल्लाह दे नाम ले इधर इधर भाई इधर बुला ओ अल्लाह दे नाम मांगण लगते ए कोई तरीका है भीख मांगने का ना ना मानो चोनो नो ये बहुत लगते हैं बारिश होने वाली है मौसम बनना ले जी दोस्तों हमारा एक जो है ना वो कलीग है वो तंग आ गया जो है ना अपनी जिंदगी से और ये जा रहे हो जा 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 बस इतना ही सी आगे आगे करते करते थले हो यार इतनी किराई भी नहीं है अब जा सकते हो यार क्या होगा ज्यादा से ज्यादा रगड़े लग जाएंगे आपको हैं छीले छूले जाओगे ये हमारी बारी आ गया गाइस हम देखें ये केबल आ रही है केबल पे बैठेंगे तो फिर ये दूसरे पहाड़ पे जाएंगे आप देख लें वो कितनी दूर पहाड़ केल के दूसरे पहाड़ उस पहाड़ पे उस पहाड़ पीछे हो जाओ भाई पीछे हो जाओ आज तक चलो जी हमारी बारी निकलने तो दो पहले उनको आज होना पड़ेगा एंड पे एंड पे ओए ध्यान से यार पाला नहीं भाई Bro, what are you talking about, man? Guys, हम लोग अब हाइकिंग करके ऊपर जा रहे हैं ये केल से अड़ंग केल आ चुके हैं हम लोग ठीक है ये पीछे हमारी सारी टीम आ रही है मेरा ख्याल है कोई एक घंटे की हाइकिंग है स्टार्ट कर ले एक घंटे की हाइकिंग के बाद जो है ना फिर हम अड़ंग केल पहुंचेंगे ये देखें पीछे नीचे हाइट देखें वहां से हम लोग आए वहां से आ जाओ यार आदिल साहब जल्दी अभी थोड़ा सा ही ऊपर आए आप थक भी गए हो यार क्या स्टैमिना घट हो गया चलो वाक तो तुसी बहुत करते हो अभी वो देखे वो ऊपर जाना है वो बड़ी हाइट पे है अभी ये अब स्लिपरी जगह ध्यान से आना आगे आनी है अभी अभी वो आंटी बता रही हैं कि अभी स्लिपरी और आगे जगह आनी है खतरनाक चले देखते हैं जी अभी हमारे लिए एडवेंचर है ये देख जाते रहो जाते रहो अब मैंने मोबाइल अप बहुत ही डेंजरस रास्ता है दोस्तों
ये आप देख सकते हैं, और स्लिपरी है बारिश की वजह से, जो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो चुका है। तो अब मुझे भी ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ। ये देखें कितना डेंजरस रास्ता। ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम इतनी मुश्किल हाइकिंग कर रहे हैं, और इतनी डेंजरस बारिश की वजह से जो ना वो ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है। वो मेरी टीम जा रही है, और मेरे कुलीग जो हैं आदल साहब, वो तो बैठ गए नीचे, काफ़ी नीचे रुक चुके, कहते जी मैं नहीं जा सकता। एक तो उनका सांस फूल गया, थक चुके हैं वो, दूसरा वेट ज़्यादा होने की वजह से वो स्लिप भी हो रहे थे, इस वजह से जो है ना उन्होंने जो है क्विट कर दिया हाइकिंग को। ये दोस्तों हम लोग एवेंचुअली फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, ये फाइनल स्टेज है हमारी। ये व्यू चेक करें, माशाल्लाह क्या बात है, ये बादल चेक करें आप, मेरी सांसों से अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सीन है, कितना हम चल के आए हैं और कितना थक चुके हैं। और आपको पता कि रास्ता कितना ख़तरनाक है। ओह अल्लाह जी, मज़ा आ गया हाइकिंग करने का, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ब्यूटी चेक करें इस गांव की, माशाल्लाह जैसे मैंने यूट्यूब पर देखा था वही सीन है सेम, बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए हैं, फुल ग्रासी ग्राउंड है, और इतनी हाइट पे आपको इतनी खुली ग्राउंड मिल जाए तो माशाल्लाह क्या ही बात है। ये देखें, ये कुछ लोगों ने कैंपिंग भी की हुई है। हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका भैया? Overall it's good. You need some courage. Okay. To even go. कोई थकावट फील हुई हाइकिंग का? क्या सीन? Not at all even. To be very very honest with you. जी जी. कि अगर आप trail 5, trail 3 पे जाए ना, that probably would be more difficult instead of yeah, कि yeah. ये स्टेट है. Exactly. कुछ बारिश थी, कीचड़ था, so dangerous था उस वजह से. So you need some extra care about nothing else. Thank you so much भैया. माशाल्लाह क्या बात है, कुछ क्या नज़ारे हैं माशाल्लाह, कुदरत के नेचुरल ब्यूटी। ये गांव है बहुत प्यारा, छोटा सा, बहुत खूबसूरत सा। पहले बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका हाइकिंग का? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप तो थक के बैठ गए थे उधर, मैंने फिर कैसे आए? फॉरएवर जो है ना जिंदगी का सबसे बेस्ट एंजॉय जो है ना वो इस दफा किया है। अच्छा, हालांकि मैं और भी जगह पे गया हूँ, लेकिन आज तो इसने कमाल कर दिया है नज़ारे को, एंड है यार कसम से। ये सही किसी ने कहा, यहाँ पहुँचना मुश्किल है, लेकिन जो पहुँच जाता है वो इसको भूल नहीं सकता। एवं नहीं कहते कि कश्मीर जन्नत नज़ीर? हाँ जी, कश्मीर जन्नत नज़ीर, और ये जन्नत है माशाल्लाह जो है ना ज़मीन पे अल्लाह ताला की, ना किसी काफर को मिली है ना मिलेगी, जन्नत सिर्फ मुसलमानों को मिलेगी इंशाल्लाह। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाक फौज जिंदाबाद। हाँ जी आदिल साहब, कैसे नज़ारे हैं यहाँ? लोग रहते हैं कहाँ? रात को जो है हाँ कैंपिंग करते हैं ना। हाँ यार, ये कैंपिंग करानी चाहिए थी यहाँ पर कसम से, तो भाई स्टे, नाइट स्टे करना पड़ता। कैंपिंग कर लेंगे नाइट स्टे, देखो जबरदस्त इस टाइम यहाँ बारबेक्यू शुरू हो जानी चाहिए और नाइट स्टे होना चाहिए। हाँ जबरदस्त, यहाँ माशाल्लाह व्यू चेक करें जबरदस्त यार, साइड पे जाके कोयले के साथ बारबेक्यू होती ना, वो किधर गया बारबेक्यू का सही आइडिया दे रहा था, किधर गया वो? माशाल्लाह गाइस, खूबसूरती चेक करें इस गाँव को यार, दिल खुश हो गया, तबीयत जो है ना सेट हो गई है, टेंशन सारी रिलीज हो गई है यार, कमाल हो गया। और आप ये आवाज़ सुन सकते हो पानी की, ठीक है तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, इसके पानी चाहिए देखें।
चेक करें, खूबसूरती चेक करें, जबरदस्त कर रहा है कि मैं राइडिंग करूं। ठीक है, देखते हैं अगर तो घोड़ा मान जाता है तो घोड़े से बात करके देख लेते हैं, अगर तो घोड़ा मान जाता है तो हम राइडिंग कर लेते हैं। लग तो मुझे गुस्से वाला ही रहा है। क्या कह रहे हो उसको भाई? ठीक है, घोड़े को क्या कह रहे हो? बात कर रहे हैं, नखरा करो नखरा, बात कर रहे थे ना आप घोड़े से, करो तो बात मान लेता आपकी जी। अच्छा, इसकी कंघी कर रहे हो जी? जुए तो नहीं है इसके सर में? नहीं नहीं, मालक के सर में देखो। शैम्पू शैम्पू मालक गंजा है, मालक मालक गंजा इसकी जरूरत नहीं। हां तो शैम्पू वगैरह लगाते हो उसको? जी जी, शैम्पू के साथ इसके लगाते हैं। अच्छा अच्छा, इसका मतलब घोड़ी है ये? घोड़ा ही घोड़ा, फिर भी इतने नखरे उठा रहे इसके यार। घोड़े ही के उठाने होते हैं, घोड़ियों के कौन उठाते हैं, क्या करना है। अच्छा, राइड शुरू हो गई हमारी, घोड़े पे हम बैठ चुके हैं। ये देखें, घोड़े को समझाया कि भाई आराम से हमें लेके जाना, बड़ा ख़तरनाक रास्ता है पहाड़ों पे। अर्तुरुल वाली फीलिंग आ रही है, अर्तुरुल गाजी वाली, ये देख सकते हैं आप। देखा, ऐसे ही पहाड़ों पे अर्तुरुल जाना राइडिंग करता था। गाइज, अभी मैं भाई के चैनल का एंडिंग कर रहे हैं व्लॉग, तो अभी चार्जिंग हम दोनों के मोबाइल में नहीं है, तो हमने बोले इधर ही एंड कर देते हैं व्लॉग, अभी वापस ही जाना है। वापस जाना है, टाइम तो हो गया, अब हम वापस जा रहे हैं गाइज। आपको आगे के जो सीन है तो वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, अभी चार्जिंग में फोन में नहीं है। लेकिन जो हम रात को बॉनफायर कर रहे हैं उसका नया व्लॉग है, नया व्लॉग आएगा, वो जरूर आपने देखना, वो मेरे चैनल पे भी आएगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भाई लगा के दे देंगे। चलें ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।